तो कैसे हो दोस्तों, मैं बहुत बढ़िया। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ डॉग्स मार्केट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि डॉग मार्केट में कितना ज़्यादा सस्ता डॉग मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे डॉग्स होते हैं और साथ में इतने ज़्यादा सेलर होते हैं कि कंपटीशन होने के कारण डॉग्स का प्राइस खुद ब खुद नीचे हो जाता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ डॉग्स के मार्केट के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपके लोकेशन में कौन कौन सा डॉग मार्केट है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपके लोकेशन में अगर डॉग मार्केट होगा तो सारे जगहों का मैं एक अच्छे से वीडियो बना के डाल दूंगा। दोस्तों आप ये जो डॉग आप देख रहे हो ये मेरे ही हाथ में है और यहाँ पे हर ब्रीड का डॉग आपको मिल जाएगा, जर्मन शेपर्ड, डालमिशियन, पोमरेनियन और डैशोंड, साइबेरियन हस्की, लेब्राडोर, जो भी आप देखोगे हर ब्रीड का डॉग आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लेने से पहले, जब भी यहाँ पे आप आ रहे हो तो लेने से पहले आप ये बात जरूर जान लेना, ठीक है, क्योंकि आप पॉम टॉय अनुराग का चैनल देख रहे हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप डॉग मार्केट से डॉग लेने का विचार बना रहे हो तो आप ये वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि मैं डॉग मार्केट से आ चुका हूँ और वहाँ का हालात मैं बढ़िया से समझा था। दोस्तों कुछ लोगों ने डॉग मार्केट से डॉग खरीदा भी है और बहुत ज़्यादा पछताए भी हैं। देखिए सारे लोग को नहीं पछताना पड़ता, लेकिन कुछ लोग को बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि कुछ जो डॉग आप वहाँ से खरीद के जब घर लाओगे ना, तो कुछ दिन के बाद हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। क्यों डेथ होगी, देखिए होता है क्या कि वहाँ के जो सेलर होते हैं वो उसे अच्छा से खाना खिलाते नहीं हैं, सिंपली उसे दूध में पानी मिक्स कर दिए और उसे खाने के लिए दे देते हैं, जो कि उसे अच्छा न्यूट्रिएंट देना चाहिए बच्चे को, जिससे उसकी ग्रोथ हो। लेकिन नहीं, पैसे बचाने के चक्कर में बच्चे को सस्ता खाना, सिर्फ दूध और पानी दे दिए, जिससे क्या होता है उसका हड्डी कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे। और जब आप घर पे लाओगे तो कुछ दिन के बाद आप अच्छा खाना क्यों ना दो, तो वो धीरे धीरे फीवर में आएगा, उल्टी करेगा और धीरे धीरे उसकी जो होगी सो डेथ हो जाएगी। एक तो प्रॉब्लम ये हो गया और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ के जो डॉग्स होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा, हर किसी के पास नहीं लेकिन कुछ जो वहाँ पे होते हैं उनके पास मिक्स ब्रीड भी होता है। तो मेरे पास जो आप ये सो सारे पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें से बहुत सारे डॉग्स मिक्स भी हैं, सारे नहीं हैं लेकिन बहुत सारे इसमें से मिक्स भी हैं। और जो बच्चे को खाना ये जब दे रहे थे ना, मैंने आंखों से देखा तो उसे आप वो दूध पीने के लिए दे रहे थे, जो कि नहीं देना चाहिए, उसका धीरे धीरे हड्डी कमज़ोर होगा, बाद में वो पक्का मरेगा। और ये चीज़ें हमारे कुछ ब्रीडर भी करते हैं और कुछ होम सेलर भी करते हैं। देखिए 1-2 हज़ार के एक पप्पी पे अराउंड 1-2 हज़ार खर्चा होगा ही होगा, अगर सेलिंग करने से पहले अराउंड, वो 2 मंथ में सेलिंग करना चाहिए तो 2 मंथ में अराउंड उसका 2 हज़ार खर्चा होगा अगर वो सही तरीके से उसको खाना दे। लेकिन 2 हज़ार बचाने के चक्कर में जब आप उनसे लोगे 5 हज़ार या 10 हज़ार का पप्पी लोगे और घर आने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे 50-60 लोगों एक साथ सेल करते रहते हैं और सारे एक साथ मिल जाएंगे। देखिए जब लड़ाई होगा तो सारे एक साथ मिल जाएंगे, बाकी जब सेल करेंगे तो सारे एक उसका बुराई करेंगे, दूसरा उसका। लेकिन हाँ, जब अगर लड़ाई किसी का हो गया ना, ऐसा मैटर कुछ हो जाता है, तो सारे एक साथ हो जाएंगे और उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 100 और आप 1-2 या 3-4, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारे लोग ऐसे होते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, अभी भी करते हैं और खुलेआम करते हैं। तो आप जब भी डॉग लो तो देख समझ के करना, ठीक है। और दोस्तों आपको अगर जानना हो कि आपके लोकेशन में कौन कौन सा डॉग मार्केट है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। अगर वहाँ पर डॉग मार्केट होगा तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डॉग मार्केट के बारे में अच्छे से बता दूंगा कि यहाँ पे ये डॉग मार्केट है, जस्ट लाइक गली फेस्ट्रीट है और पटना में यहाँ पे है, तो ये सारे डॉग मार्केट हैं और बहुत कुछ जगह हैं, ठीक है, तो वहाँ के मैं वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों ये आप वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना उन लोगों को जो डॉग मार्केट से डॉग लेने के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारे लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग गारंटी के साथ वहाँ पे ऐसे होते ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नीचे होगा रेड कलर में ये सब्सक्राइब लिखा होगा और बाद में एक बेल का भी आइकन आएगा तो उसे भी क्लिक कर देना, ताकि हमारी वीडियो आपको उसी टाइम पे मिल पाए। दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।